गुड मॉर्निंग ग्रेड 8, हाउ आर यू ऑल। सो बेटे, हमने चैप्टर में यहाँ तक हम पहुँचे थे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, कि प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। व्हेन वी गो टू अ शॉप टू बाय समथिंग, द शॉपकीपर गिव्स दोज थिंग्स इन पॉलीथीन बैग्स। जब भी हम कभी बाजार जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, पॉलीथीन बैग्स में हमें क्या है चीज़ें देता है। मिनरल वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन प्लास्टिक बॉटल्स। Sometimes we use disposable thermocol plate and cups in social gatherings. So a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. तो ये जो प्लास्टिक है ये डेली हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम थर्माकोल प्लेट कप भी यूज़ करते हैं सोशल गैदरिंग के लिए। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में जल्दी से डीकम्पोज नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ये सारा जो प्लास्टिक है गार्बेज की तरह इकट्ठा करते जा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ बिग थ्रेट टू आर एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा एक नुकसान है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट ब्रेक डाउन ईजिली इंटू अ सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं कि जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब इनके ऊपर कोई भी, जैसे अगर कोई केले के छिलके हैं, एप्पल के छिलके हैं, तो कुछ भी फ्रूट्स और वेजिटेबल पील हैं, वो थोड़े दिनों में गल सड़ जाते हैं ना, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कवर कर लेते हैं। बट प्लास्टिक्स पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर्स आर also non-biodegradable substances that can easily be broken down into, जो cannot be broken down easily into simple or harmless substance through natural process, वो non-biodegradable हो गए, जो cannot है। and those substances that can easily be broken down into simple harmless substances by the action of bacteria are called biodegradable substances. Peels of vegetable and fruits, leftover food stuff, paper, cotton cloth, wool, etc. are biodegradable substances. तो ये जो है vegetable और fruit के peels, उनके छिलके, जो खाना बचा हुआ होता है, cotton का cloth हो गया, wool हो गया, paper हो गया, तो ये सब चीज़ें biodegradable होती हैं, ये easily decompose हो जाती हैं, clear? Next आ जाएगा disposable of plastic waste led to the following health and environment hazard, कि जो हम डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करते हैं इन, ये क्या करते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज एंड स्मोक दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन। वन प्लास्टिक वेस्ट ये इजीली बर्न नहीं होते और ये एयर पोल्यूशन करते हैं। वन प्लास्टिक वेस्ट आर डंप इन वाटर दे कॉजेज वाटर पोल्यूशन, जब प्लास्टिक है उसे हम जब पानी में अगर हम डंप कर दें तो वो वाटर पोल्यूशन करेगा। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, सिंस प्लास्टिक बरिड इन द सॉइल कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इन टू द अर्थ, दस वाटर रिमेन ऑन द अर्थ सर्फेस एंड फॉर्म मडी पूल्स। तो ये क्या करता है, प्लास्टिक अगर हम लैंडफिल पे ही मतलब ऐसे बिखेर देते हैं बाहर खुले मैदानों में, तो क्या होगा, जब जैसे बारिश होगी तो ये एक लेयर बिछ जाती है प्लास्टिक की, उससे क्या होगा, बारिश का पानी ज़मीन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा और ये ऊपर ही सारा कीचड़ कर देगा, मडी पूल्स बना देता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, वी थ्रो पॉलीबैग रैपर ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा on the road or in parks. This not only makes the place look ugly but also provide breeding ground for many diseases causing germ and insect. ये जो पॉलीबैग रैपर चिप्स हम बिस्किट के इधर उधर फेंक देते हैं, ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को नहीं, हमारे आसपास को भी गंदा करता है। पॉलीबैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ड्रेन एंड सीवर लाइन। तो ये जो पॉलीबैग्स जो हम अपने लिफाफे या बिस्किट के चिप्स या बिस्किट के जो रैपर्स वगैरह हैं वो इधर उधर जब हम फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो सीवरेज की पाइप्स वगैरह वो भी एकदम से उनमें ये जाके फंस जाते हैं और उसमें से जो पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता, ठीक है। एनिमल ईट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप, ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट दे समटाइम्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स। जो एनिमल्स होते हैं वो गार्बेज से जो खाना है बचा हुआ वही खाते हैं, और एक कभी कभी वो क्या करते हैं, खाने के साथ साथ पॉलीथीन बैग्स भी खा जाते हैं एंड रैपर ऑफ फूड ऑल्सो। द प्लास्टिक मटीरियल
choke their respiratory system and sometime digestive tract and can be cause their death. तो ये जो प्लास्टिक के बैग्स खा जाते हैं कभी कभी वो वेस्ट के साथ, तो उससे क्या होगा, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एकदम से ख़राब हो जाएगा, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है. सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक, कि प्लास्टिक से हम ये जो 5 आर्स है ना बेटे, इनको हम फॉलो करना चाहिए हमें. रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर. रिफ्यूज़ का मतलब सबसे पहले तो हमें मना ही कर देना चाहिए प्लास्टिक को, से नो टू प्लास्टिक, कि हमें कुछ भी प्लास्टिक नहीं चाहिए. रिड्यूज़ कि हम कैसे उसका जो यूज़ है वो कम कर सकते हैं. रीयूज़ कि कैसे हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं. रिसाइकिल करना कि एक ही चीज़ को हम बार बार रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं. रिकवर मतलब उसी चीज़ को हमें ठीक कर देना चाहिए. फर्स्ट, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट आस्क फॉर प्लास्टिक बैग्स वैन वी गो फॉर शॉपिंग. इंस्टेड वी शुड कैरी कॉटन और जूट बैग्स. सेकेंड, वी शुड क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कंटेनर एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल फॉर द रीयूज. थर्ड, वी शुड यूज फॉर टू टाइप ऑफ बिन, ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन. जो बेटे ग्रीन बिन, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेफ्ट ओवर पेपर एंड कॉटन शुड बी थ्रोन इन द ग्रीन बिन, उसे हमें ग्रीन डस्टबिन में रखना चाहिए. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन अ ब्लू बिन. सो दीज कलेक्टेड प्लास्टिक आर देन मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड. फोर्थ पॉइंट, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल बैग्स, रैपर एक्सेट्रा ऑन द रोड. फिफ्थ, वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन अ सीवेज सिस्टम. हमें कभी भी सीवेज वगैरह, सीवरेज में कभी भी प्लास्टिक का कुछ भी सामान नहीं फेंकना चाहिए, तो वरना वहाँ पे वो जाम हो जाता है, ब्लॉक कर देता है ये सारी की सारी पाइप्स को. इज दैट क्लियर टू ऑल बेटे? सो वी हैव अ नेक्स्ट पेज. Presently, all kind of thermoplastic are melted together to produce recycled plastic. For example, the black plastic bag are made from recycled bags. ये जो black bags होते हैं ना, वो recycle किए होते हैं, जो हम dustbin के cover करते हैं. We should develop an environment friendly habit to reduce the harmful effect associated with the plastic. Is that clear to all? So, आज हमने अपना ये third chapter की reading जो है वो complete कर ली है बेटे. और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करवा दूंगी. इज दैट क्लियर? टेक केयर एंड थैंक यू.